पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस देखना चालू हो चुका है। अगर आपके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आया है या फिर दूसरे अकाउंट में गया है तो आप स्टेटस अभी चेक कर सकते हो। हालांकि यहां थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया गया है। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो तो आप चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। क्या चेंजिंग किया गया है, चलिए हम आपको स्टेटस चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आ जाना है, पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट में। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है बेनिफिशियरी स्टेटस। यहाँ पर आने के बाद यहाँ सबसे पहले ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालो या फिर मोबाइल नंबर डालो। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो। अगर आपका नंबर नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप नाउ योर रजिस्टर्ड नंबर में क्लिक करके निकाल सकते हो। इसमें ओटीपी आएगा, अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो ओटीपी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीज याद रखोगे, ये कैप्चा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो कौन सा कैप्चा आपको फिलअप करना है वो भी बताएंगे। और एक चीज, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना, जब आप केवाईसी कर रहे थे ना और उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिए थे वही नंबर आपको यहाँ फिलअप करना होगा, नहीं तो आप स्टेटस चेक नहीं कर पाओगे। जो आधार कार्ड में लिंक है वो नंबर नहीं चलेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिए थे वही मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। तो आपको पता होगा आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वही नंबर यहाँ पर डाल देते हैं हम। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर दिखाई देगा कौन सा नंबर आपने डाला है। फिर ये कैप्चा आपको यहाँ पर नहीं डालना है, इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन में क्लिक करोगे। फिर ये कैप्चा जो यहाँ पर दिख रहा है ये कैप्चा आपको फिलअप करना है यहाँ पर। अब यहाँ गेट डाटा में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से स्टेटस देखना शुरू हो जाएगा, आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। नीचे देखोगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकेंड, थर्ड, फाइव, जो भी है यहाँ पर देखोगे 9 इंस्टॉलमेंट तक यहाँ पर शो कर रहा है। और कौन सा अकाउंट नंबर में आया है यहाँ पर वो भी दिखा रहा है कि स्टेट बैंक में पैसा गया है, इस अकाउंट में लास्ट का 4 डिजिट दिखाई देगा। बहुत लोगों का क्या हुआ है यहाँ पर सुन के जाइए, बहुत लोगों का ऐसे हुआ है, मान लो आपका 3 अकाउंट है या 2 अकाउंट है दो बैंक में, तो इस बार जो है दूसरे अकाउंट में बहुत लोगों का पैसा भेज दिया है। अगर आपका बैलेंस नहीं मिला है तो दूसरे अकाउंट में चेक करके देखो, वहाँ पर आपको पैसा आ गया है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, नाउ योर रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर डालोगे, ये कैप्चा फिलअप करोगे, गेट ओटीपी में क्लिक करोगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बिहार के तरफ से एक अपडेट आया है कि बिहार में 31 जुलाई, देखो यहाँ पर साफ साफ ये भी दिया गया है कि लास्ट ईकेवाईसी, ये सुन के जाइए, लास्ट ईकेवाईसी 21 जुलाई कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, डेट बढ़ा दिया है। अगर अभी 31 जुलाई तक नहीं करते हो अपना ईकेवाईसी पीएम किसान में तो आपको मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा और आपका पैसा जो है आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकल के आया है बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो अगर आपने अभी तक ईकेवाईसी नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आप घर बैठे खुद से ईकेवाईसी कर सकते हो अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाके ईकेवाईसी करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करके जाओगे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।